सर भर और पासी में क्या अंतर है जो राजभर भरवासियों के इतिहास पर दावा करते रहते हैं? देखो ये समय का अंतराल है और समय के अंतराल में इतिहास कुछ भूलता है और कुछ नया भी प्रकट होता है। भूलने में तो ये है कि हम लोगों ने भारसियों से जो शब्द हमारा दंड पासिक बना था उसमें हम लोगों ने सिर्फ पासी शब्द को पकड़ लिया। भर हमारा धीरे धीरे तिरोहित होता चला गया, हमसे भारसियों से हटता चला गया। तो अवध क्षेत्र में सुगमता से उस समय, क्योंकि भरों की जनसंख्या जब 1871 में शुरू की गई तो 1872 में जो परिणाम आया उसमें आपके अवध क्षेत्र में एक भी भर नहीं मिला अंग्रेजों को। मेरठ में भर मिले, आगरे में भर मिले, कानपुर में भर मिले और पूरब में तो गोरखपुर और फैजाबाद से पूरब और बनारस तक उनको भर मिले, लेकिन बीच के हिस्से में न लखीमपुर में, न हरदोई में, न उन्नाव में, न शाहजहांपुर में और न तो रायबरेली में और न तो इसमें सीतापुर और बहराइच में उनको भर नाम से कोई जनसंख्या नहीं मिली। और उन लोगों ने तब यह भ्रम हुआ कि ये भर कहाँ गायब हो गए, लेकिन इस रहस्य को ऐतिहासिक पहलू था, इसको लोगों को सोचना चाहिए था कि यहाँ के भर जो हैं, जो पूरे उत्तर भारत से लेकर लाहौर तक जिनका शासन था, सागर तक शासन था मध्य प्रदेश में, और हरदोई और उन्नाव और ये तो और लखनऊ ये तो बीच का सेंटर था, गढ़ था। यहाँ पर भारसियों ने नीमसार में यज्ञ किया जिसका साबूत हरदोई में अभी मौजूद है। यहाँ पर अष्टकोणीय शिवलिंग है जिसके नीचे 8 हिस्से हैं, क्योंकि अष्टकुल मुख था नागों में, तो उसमें 8वें पहलू बने हुए हैं। जमुनिया में शिवलिंग मिला हुआ है, पड़ोस में सरोवर मिला हुआ वो भी अष्टकोणीय है। तो हमारा सब पूरा का पूरा क्षेत्र जो था उत्तर भारत, जिसका बीच का हिस्सा नैमिषारण्य पड़ता था, यहीं पर भारसियों ने यज्ञ किया, एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चलाया, एक समरसता का आंदोलन चलाया कि सब बराबर है, अब भारतवर्ष में किसी को साथ मतलब गैर बिरादरी का, गैर बराबरी का कोई रिश्ता नहीं होगा और यहाँ पर भारसियों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। यह है भारसियों का संक्षिप्त वर्णन। वैसे इसको पढ़ने के लिए आप काशी प्रसाद जायसवाल का अंधकारी भी इतिहास पढ़ सकते हैं, विदिशा पढ़ सकते हैं और किताब एक है और भी किताबें लखनऊ में के बारे में आपको योगेश प्रवीण की किताबें जितनी हैं वो पढ़ी जा सकती है और किताबें देखी जा सकती हैं। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखा जा सकता है और लखनऊ गजेटियर देखा जा सकता है और तमाम ऐसे स्थान देखे जा सकते हैं भरों का जो यहाँ पर बोलबाला है। हरदोई में तो यहाँ भरावन है, भरखनी है, भरायल है और लखीमपुर का पूरा एरिया मोहम्मदी से और मोहली तक का ये भरवारा कहलाता था। सब भरों का ही नामकरण यहाँ है लेकिन यहाँ भर नहीं है। तो आपका कहने का मतलब जो है, जो जो दस्तावेजों में भर कास्ट दर्ज है तो वो पासियों के लिए दर्ज, हाँ सिर्फ भर जो शब्द है, भारसी जो शब्द है वो पासियों के लिए दर्ज है, पासियों के लिए ही कहा गया है। लेकिन समय के प्रवाह में और हमारी पुरानी पुस्तकों में उनके उदाहरण है, जितने अंग्रेज राइटर हुए हैं जिन लोगों ने लिखा उन्होंने भर पासी लिखा है, लेकिन हमारे प्रेजेंट में व्यवहार में पासी ही रह गया। और यहाँ तक की है कि कभी कभी तो पासियों को भील भी कह दिया जाता, भर भी कह दिया जाता, भीलों ने लूटी गोपिका कहा जाता है, लेकिन वो नांगों ने और भरों ने ही लूटी थी। तो इस प्रकार हमारा शब्द जो पासी है बहु परिभाषित है, बहु आयामी है। सर योगी सरकार लखनऊ का नाम चेंज करना चाहती है और लक्ष्मणवती करना चाहती है, तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? देखो लखनऊ का नाम वैसे हमने जहां तक देखा है कि लखन से ही लखनऊ बना है या लखना से लखनावती बना है, इसमें लक्ष्मण का कोई योगदान नहीं है। जिस समय ये पौराणिक ग्रंथों की बात हो रही थी, शहर बसाने की तो परंपरा नहीं थी, इतना कहाँ लोगों के पास समय नहीं था और न तो ऐसी कोई थी। और लक्ष्मण का तो संबंध वैसे भी नागवंश से जोड़ा जाता है, शेष अवतार कहलाते हैं। इनकी माँ जैसा पुस्तकों में वर्णित है, ये वयम रक्षामा में वर्णित है, वयम रक्षामा हमारे पास ये किताब रखी है, आचार्य चतुर्सेन ने साफ लिखा है ये बिहार के करद राजा की पुत्री थी और बिहार का राजा जब हार गया तो ये अपनी लड़की सुमित्रा को
दशरथ के लिए दे दिया, शादी नहीं की। बहुत सी पुस्तकों में परिचायिका लिखा है, कहीं दासी लिखा है, लेकिन ये इसकी शादीशुदा दशरथ की रानी नहीं थी। और युद्ध में हारे हुए राजा ने इसको सुमित्रा को दिया था, तो इसलिए नागवंश आधा सूर्यवंश में समाया हुआ है। राम के लड़के लव और कुश दो थे, कुश की कुश को जो ब्याही थी कुमुदवती नांग कन्या थी, राजा कुमुद की पत्नी लड़की थी और कुमुदवती उसे नांग कन्या का नाम था। ऐसे नर्मदा एक पुरकुत्स को ब्याही गई जो सूर्यवंश के थे, वो भी नांग कन्या थी। नांग कन्याओं का बहुत सा वर्णन पुराणों में और इनमें सब में मिलता है। तब जातियों में ऐसा नहीं था, सब जातियों का परिगमन एक दूसरे में होता रहता था। सूर्यवंश की लड़कियां चंद्रवंश में ब्याही जाती थी, चंद्रवंश की लड़कियां सूर्यवंश में ब्याही जाती थी, नागवंश की कन्या सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों में जाती थी। और नागवंश आगे चल करके जो तक्षक शाखा थी, ये तो बड़ी प्रभावशाली शाखा भारत। आप समाज के प्रति इतना सचेत रहते हैं, जागरूक रहते हैं, समाज के प्रति इतना ऐतिहासिक तथ्यों के साथ किताबें पहुंचते हैं, तो समाज के आपका सम्मान करता है? समाज ने हमको बहुत सम्मान दिया। हमको भारतीय दलित साहित्य अकादमी से 3-3 बार ये सम्मानित किए गए, लोग एक बार नहीं सम्मानित हुए, हम 3 बार भारतीय दलित साहित्य संस्थान से सम्मानित हुए। पारसी समाज के जितने संस्था हैं, सब संस्थाओं ने हमको, आर्य प्रसाद जी ने सम्मानित किया, रामविलास पासवान ने सम्मानित किया, राजनाथ सिंह ने सम्मानित किया, और तो और लालजी टंडन जो गवर्नर रह चुके हैं उन्होंने भी हमें सम्मानित किया। तो हमको सम्मान की तो सब जातियों ने भी किया। ये भी बता दूं, हरदोई में यहाँ पर वकील घर से भी हम सम्मानित हुए, और आप और हम एक यहाँ सवर्णों की संस्था है, उसने भी हमें सम्मानित किया। और जहाँ तक हरदोई के 15-16 यहाँ के साहित्यकार हैं, उसमें हमारा नाम है। और यहाँ हम सम्मान के दृष्टि से हमको जितना हमारे भारतीय समाज ने, हमारी जाति ने तथा दूसरे लोगों ने भी हमें सम्मानित किया, इसके लिए वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। और हम सदैव समाज में समरसता लाने की बात करते हैं, जिससे समाज एकजुट रहे, हमारा भारत भारत रहे, भारतवर्ष में भारतीयता गूंजे और भारत का नाम रोशन हो, ऐसी विचारधारा हम रखते हैं। समाज में बैर फैलाना, समाज में छुआछूत पाखंड है, इनकी तो हमें सदैव निंदा करता हूँ, लेकिन समाज में समरसता स्थापित हो, समाज में हमारा सहभागिता सब बिरादरियों में साथ साथ चले, ऐसा मैं सोचता हूँ, और इसी उद्देश्य से मैं अपनी कलम चलाता हूँ और लेखन कार्य करता हूँ। सर, समाज को कुछ संदेश देना चाहोगे? समाज अपना पढ़ा लिखा तो अब बहुत से नवयुवक आ रहे हैं समाज में, लेकिन जितना आंदोलन ये चलना चाहिए था, जब सभी लोग अपनी जातियों को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं, सौंदर्यशाली अपना इतिहास लिख रहे हैं, तो पासी क्यों छूट जाए। अब हमको सबको यह मिलकर करना चाहिए कि हम लोग संगठित होकर के पासी इतिहास को संरक्षित करें, उसको बनाएं, उसको यथावत बनाए रखें, और उससे संबंधित जो साहित्य है वो प्रकाशित किया जाए, और एक कमेटी ऐसी बने भारत उत्तर प्रदेश में जो पासी इतिहास संरक्षण का काम करे, और उसमें पढ़े लिखे व्यक्ति जो एमए हो हिस्ट्री से, या डॉक्टरेट पीएचडी हो, या जिनमें जातीय प्रेम हो, वो रखे जाए, और वो और शिक्षित होने चाहिए, अधिक से अधिक इतिहास के ज्ञाता होने चाहिए, और पौराणिक स्रोतों को भी वो देख सके, जान सके, ऐसी भी उनमें क्षमता होनी चाहिए। तो साथियों, ये थे हमारे वरिष्ठ इतिहासकार रामदयाल वर्मा जी। साथियों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।